इस कहानी के लेखक है जयहिंद कुमार, जिसका शीर्षक है मौत का बंगला। चार दोस्त आरव, निशा, करण और तनु सभी शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत और रोमांचक यात्रा पर निकले थे। उनकी योजना एक नए शहर में घूमने की थी, लेकिन शायद उन्हें ये अंदाजा भी न था कि रात की अंधेरी सड़कों पर उनकी ये यात्रा एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। रात गहराते ही रास्ते में चारों की गाड़ी एक सुनसान इलाके में अचानक रुक जाती है। आरव गाड़ी का इंजन चेक करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि गाड़ी क्यों बंद हो गई, और अब उनके पास पैदल चलकर किसी से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद घने पेड़ों के बीच में उन्हें एक पुराना और सुनसान बंगला दिखाई देता है। इस बंगले के आसपास कोई और घर नहीं था और ये बेहद वीरान जगह पर खड़ा था। चारों के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वे मदद की उम्मीद में उस बंगले की ओर बढ़ते हैं। बंगले के दरवाजे पर एक पुरानी धातु की तख्ती टंगी थी, जिस पर धुंधले शब्दों में लिखा था, जो यहां आया उसने अपनी मौत को बुलाया। लेकिन आरव और करण मजाक में इसे एक पुरानी अफवाह समझते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। निशा और तनु को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन चारों अंदर घुस जाते हैं। पहला दृश्य, खौफ की शुरुआत। बंगले के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो जाता है। इस खौफनाक आवाज से तनु चौंक जाती है और पूछती है, ये दरवाजा खुद बंद कैसे हुआ? करण हंसते हुए कहता है, पुराना घर है, हवा से होगा। लेकिन निशा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि इस बंगले में कुछ सही नहीं है। बंगले के अंदर चारों को चार अलग अलग कमरों के रास्ते दिखते हैं। करण मस्ती के मूड में था, वह सबसे पहले एक कमरे में दाखिल होता है जहां एक पुरानी अलमारी थी। आरव दूसरे कमरे में घुसता है और देखता है कि वहां एक टूटा हुआ शीशा था, जिसमें कुछ अजीब सी आकृति दिख रही थी। निशा और तनु वहीं पास के हॉल में रुकते हैं, जहां दीवारों पर अजीब खरोंचें बनी हुई थीं। तभी अचानक बिजली चली जाती है और घर में घना अंधेरा छा जाता है। चारों दोस्त अलग अलग कमरों में बंट चुके थे। उनके फोन की फ्लैश लाइट ही अब उनकी एकमात्र रोशनी थी। दूसरा दृश्य, पहला शिकार करण अलमारी के पास खड़ा था और जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर एक सड़ी गली लाश निकली। करण पीछे हटता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि अलमारी के दरवाजे से एक ठंडी हवा निकल रही है। अलमारी के पीछे अचानक एक अंधेरा सुरंग दिखाई देता है। करण डर के मारे चीखता है, लेकिन उसकी आवाज बाकी दोस्तों तक नहीं पहुंचती। वो सुरंग अचानक उसे खींच लेती है। आरव, निशा और तनु को करण की चीख सुनाई नहीं देती। अब करण गायब हो चुका था। सुरंग के अंदर एक भयानक परछाई उसके पीछे चल रही थी। करण की चीख बंगले के अंदर गूंजती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। उसकी लाश बाद में सुरंग के एक कोने में पड़ी मिलती है। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तीसरा दृश्य, दूसरा शिकार। अब निशा और तनु आरव को ढूंढने के लिए हॉल से बाहर निकलने का सोचती हैं। निशा आरव को बुलाने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ती है, लेकिन जब वो पहुंचती है तो वहां कोई नहीं होता। उसके पैर अचानक किसी गीले पदार्थ पर फिसल जाते हैं। निशा ने जब अपने हाथ को देखा तो वो खून में सने हुए थे। फर्श पर खून की धाराएं फैल चुकी थीं। तभी आरव की परछाई उसके सामने दिखती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं और उसकी गर्दन एक अजीब कोण में मुड़ी हुई थी। आरव अब निशा का दोस्त नहीं था, वो एक भूतिया आकृति में बदल चुका था। उसकी आंखें निशा को जकड़ लेती है और वो बेबस चीखते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन आरव की वो भयानक परछाई उसे जकड़ लेती है और उसे दीवार के साथ पटक देती है। उसकी मौत दर्दनाक होती है। उसकी खोपड़ी दीवार से टकराते ही फट जाती है। चौथा दृश्य, तीसरा शिकार। तनु अब अकेली थी। उसे एहसास हो चुका था कि उसके दोस्त एक एक करके मारे जा रहे हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। डर के मारे वो छिपने के लिए एक छोटे से कमरे में घुस जाती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। उस कमरे के अंदर एक पुरानी घड़ी थी जो धीरे धीरे चल रही थी। अचानक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगती हैं और उसकी टिक टिक इतनी तेज हो जाती है कि तनु का दिल भी उसकी गति से दौड़ने लगता है। उसे महसूस होता है कि कोई भयानक शक्ति उसके करीब आ रही है। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुलती है और एक काली परछाई अंदर घुस जाती है। उसकी आंखें जलती हुई लाल रंग की थीं और उसके लंबे नाखून जमीन तक लटक रहे थे। वो परछाई धीरे धीरे तनु के करीब आती है। तनु अब चीख नहीं सकती थी। उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई थी। वो बेबस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी और फिर वो परछाई उसे अपने अंदर समा लेती है। उसकी आत्मा को जकड़कर वो परछाई उसे घसीटते हुए ले जाती है। तनु की मौत तड़पती हुई होती है और उसकी चीखें बंगले की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। अंतिम दृश्य,
मौत का खुलासा सुबह होती है। बंगले के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। चारों दोस्तों की गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पुलिस के अंदर घुसने पर कोई लाश नहीं मिलती, सिर्फ दीवारों पर खून और खरोंचों के निशान दिखते हैं। इस बंगले का रहस्य अब भी बना हुआ था। बंगले के बारे में एक पुरानी कहानी थी कि जो भी इस बंगले में दाखिल होता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। कुछ साल पहले इस बंगले के मालिक और उसकी फैमिली की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और तब से इस बंगले में आने वाले हर इंसान की मौत होती रही थी। कहा जाता है कि इस बंगले में उस परिवार की आत्माएं अब भी भटक रही हैं, और वो हर किसी को मार डालती हैं जो यहाँ आता है। चारों दोस्तों ने अनजाने में अपनी मौत को बुलाया था, और अब वो भी इस भूतिया बंगले का हिस्सा बन गए थे।